शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सर्दी की दस्तक, जबकि आज शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में अमन व अमान के पेश नज़र इंतजामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी। ज़िलाई इंतजामिया के मुरासले के मुताबिक 12 महकमों को ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गईं। हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। DIG ऑपरेशंस लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर फौरी एक्शन लेंगे। हंगामी सूरतेहाल के पेश नज़र IG पंजाब ने भी अहलकारों के लिए मौरासला जारी कर दिया। अहलकार मुजाहिरीन से 50 मीटर की दूरी पर खड़े होकर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सूबे भर के पुलिस अफसरान को मौरासले की कॉपियां जारी कर दी गईं। हुकूमत और धरना कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात में तआत्तुल। तहरीक लब्बैक के कायदीन मुजाहिरीन के पास वापस आ गए। हुकूमती वफ्द मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के लिए पुरअज़्म। शहर में आज मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। मोबाइल फोन सर्विस सुबह 8 बजे से मगरिब तक मुअत्तल रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का ट्वीट। अमन अमान का खदशा, शहर के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां आज बंद रहेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी बोर्ड टैबटा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने भी छुट्टियों में तौसीह कर दी। तमाम निजी स्कूल 2 और 3 नवंबर को बंद रहेंगे। बीकन हाउस, लकास, एजुकेटर्स, अमेरिकन लेस्टर, प्रीमियर अमेरिकन स्कूल बंद रहेंगे। लाहौर ग्राइमर, लाइसियम, सिटी स्कूल, दी पंजाब स्कूल भी नहीं खुलेंगे। दाखली और खारजी रास्तों समेत शहर के 19 मकामात ट्रैफिक के लिए बंद। शाहदरा, दाता दरबार, बाटा चौक, चुंगी अमर सिद्धू, ठॉकर, मुल्तान रोड पर रास्ते बंद। अब्दुल्ला इंटरचेंज, कहना काचार, रिंग रोड, करोल घाटी, महफूज टाउन, हमदर्द चौक भी सील। रोहिनाला, चुंगी दोगेज, शाहकाम चौक, मोटरवे इस्लामाबाद, वापडा टाउन, अड्डा प्लॉट भी ट्रैफिक के लिए बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन टूट गई। शहर में पेट्रोल का जुज़वी बहरान, अक्सर पेट्रोल पंप बंद। डिफेंस, वॉल्टन, चुंगी, इछरा, शादबाग टाउनशिप के पेट्रोल पंप बंद मुतासिर। गुलबर्ग, रंग महल, मोगलपुरा, गुलशन रावी में भी किल्लत। खुले पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश, तवील कतारें लग गईं। सप्लाई बहाल ना हुई तो बहरान संगीन हो सकता है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। सड़कें ब्लॉक, गाड़ियों का पहिया जैम। शहर की सब्जियों, फल मंडियां भी मौजूदा सूरत हाल के जेर असर आ गईं। सब्जियों और फलों की तरसील ना हो सकी। ताजरों को 2 रोज़ में 60 करोड़ रुपए का नुकसान। अशियाए खुरनोश की ब्लैक में फरोख्त शुरू। गोभी की कीमत में 1 ही रोज़ में 40 रुपए फी किलो का इजाफा। ब्रायलर भी 11 रुपए फी किलो महंगा हो गया। रियासत शहरियों के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करेगी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। शहरियों के रोजमर्रा के मामूलात में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। IG पंजाब की तमाम पुलिस मुलाजमीन को मुजाहिरीन के करीब न जाने की हिदायत। अमन अमान की बहाली के लिए शहरियों से तआवुन की अपील। FBR को माली खसारे का बड़ा झटका। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर टैक्स कलेक्शन की मद में 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। एयर फ्रेट यूनिट में ड्यूटी टैक्स कलेक्शन 0 पर चली गई। अवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 6 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। शहरियों का पेट्रोल की इजाफी कीमत वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल के बारे में ज्यादा है जो कीमत पड़ी है, ये अवाम के साथ ज्यादा है। ये हुकूमत सोई हुई है,
कल से क्या पेट्रोल के हालात है कि पेट्रोल पंप बंद हुए हुए हैं, हर चीज़ महंगी करी जाते अपने कि मुंडे तक ही चल रहा है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। वही हुकूमत आ गई ना, कहते तब्दीली आएगी, तब्दीली की तब्दीली हमारे यहाँ आया नहीं है, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो भी नहीं कमा नहीं दे रहे। चोंग ट्रेनिंग सेंटर पासिंग आउट परेड ताखीर का शिकार, डॉल्फिन फोर्स के सातवें बैच की ट्रेनिंग को मुकम्मल हुए 5 माह का अरसा गुजर गया, 5 माह बाद भी तरबियत मुकम्मल करने वाले अहलकारों की पासिंग आउट परेड ना हो सकी, डॉल्फिन अहलकार ज़हनी परेशानी का शिकार। स्पीकर पंजाब असेंबली से सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर की मुलाकात, चौधरी परवेज इलाही ने अमानुल्लाह कंडरानी को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, कहा बार ने हमेशा कानून और आइन की सरबलंदी के लिए काम किया, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने भी फोन पर अमानुल्लाह कंडरानी को मुबारकबाद दी। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज ने खुली कचहरियां लगाने का ऐलान कर दिया, जुमा से बाकायदा अवामी मसाइल सुनने का आगाज किया जाएगा। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज कहते हैं खुली कचहरियों में शहरी अपनी तजावीज से भी आगाह कर सकते हैं। कायदे हिजब इख्तलाफ पंजाब हमजा शहबाज की 3 मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से हाईकोर्ट में समाअत, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को अपोजिशन लीडर पंजाब को गिरफ्तार करने से रोक दिया, अदालत ने हमजा शहबाज की 3 मुकदमात में कुल 60 लाख रुपए के मचलकों के एवज 13 नवंबर तक कबल अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। स्मोक का खदशा, एयरपोर्ट्स पर भी अलर्ट जारी, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइनों को आगाह कर दिया, एयरपोर्ट पर मौजूद हस्पताल में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म, जहाज़ों को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत, लेस्को ने ग्रिड स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइंस की देखभाल का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट की 2 रोज़ा मुशावरती वर्कशॉप का आगाज, पाकिस्तान में जचगी नौजायदा बच्चों के मसाइल से शुराका को आगाह किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी की ज़रूरत है, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। ड्राइव इन में सालाना तबलीगी इज्तमा, फरजंदान इस्लाम काफिलों की सूरत में आमर, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजाम, 848 वार्डन्स तायुनात, सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट और कैंप ऑफिस कायम। शहरियों के लिए बड़ी खबर, साइड मिरर और बगैर हेलमेट सेकंड सीटर मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ कार्रवाई में 1 माह की तौसी, 1 दिसंबर से साइड मिरर्स और बगैर हेलमेट सेकंड सीटर के खिलाफ कार्रवाई होगी, 1 माह में तौसी का मकसद शहरियों को भरपूर आगाही देना है, CTO। और अजहर अली का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान, साबिक कप्तान कहते हैं मेरी असल पहचान टेस्ट क्रिकेट है, मजीद रिकॉर्ड बनाऊंगा, वनडे से रिटायरमेंट के लिए बहुत अरसे से गौर कर रहा था, सरफराज अहमद पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान हैं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए।